स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल क्या भारत के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल और वो सभी स्थल जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं उन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में भी वही किया गया, इस क्लास में भी वही किया जाएगा और जब तक सफलता मिल नहीं जाती है तब तक यही किया जाता रहेगा क्योंकि सफलता का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शुरू करें आज के इस सेशन को। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये अरविंदो आश्रम जिससे संबंधित प्रश्न है या आपको यहाँ पर जो है दिख रहा है कन्हेरी की गुफाएं दिख रही हैं या आपको जो है अमरनाथ गुफा दिख रही है, ये कौन सा मंदिर दिख रहा है आप हमको कमेंट करके जो है जरूर बताना। शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले बता दें ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों तक पहुंचाया जाता है और पहुंचा जाता रहेगा। शुरू करें आज के इस सेशन को और आज का ये पहला प्रश्न। एक स्क्रीन पर दो प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। पहले प्रश्न के बारे में जब तक मैं चर्चा कर रहा हूं बेहतर होगा कि अगर आपको जानकारी है तो दूसरे प्रश्न का तब तक उत्तर दें, अगर नहीं जानकारी है तो इंतजार करें। बहरहाल पहला प्रश्न कह रहा है कन्हेरी और कारले गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, पर्वतों को काट करके गुफाओं को बनाने की कला भारत में ईजाद हुई और अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, कारले गुफाएं, ये सब के सब जो है वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट में और कहां पर स्थित हैं आप कहेंगे कहां पर, महाराष्ट्र में। तो कन्हेरी की गुफाएं जो है कहां पर स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। कन्हेरी जिसको कि पहले जो है कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था, किस नाम से, कृष्णागिरी के नाम से जो है जाना जाता था। वेस्टर्न घाट यानी जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित है और कन्हेरी की गुफाओं को, कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण कार्य जो है आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। किस वंश के, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा जो है किया गया था। और ये किसको समर्पित है तो आप कहेंगे कि ये गुफाएं जो है बौद्ध धर्म को समर्पित है। किसको समर्पित है, जी हाँ बौद्ध धर्म को समर्पित है। इन गुफाओं से संबंधित लिखित जो है प्रमाण सबसे पहले जो है प्राप्त होता है किसके द्वारा, तो फाहयान। जैसा कि आप जानते हैं फाहयान एक चाइनीज यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत में आया था और फाहयान इवन दैट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया हुआ वेनसांग के यात्रा वृतांत से भी इस गुफा का प्रमाण प्राप्त होता है। तो आप मोटा मोटी जो शब्द याद, जो चीजें याद रखेंगे, कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाओं में हैं, जिनको काट करके जो है बौद्ध चैत गृह बनाए गए हैं, बौद्ध विहार बनाए गए हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक, अज्ञात सैनिकों का स्मारक या जिसको अखिल भारतीय वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता है और वो है क्या, आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है तो आप कहेंगे कि इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट और बताने की जरूरत नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध में लगभग लाखों भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी उन कमीनों के लिए जो हिंदुस्तान को गिद्ध की तरह नोच नोच करके खा रहे थे। लेकिन ये पापी पेट इंसान से क्या नहीं कराता है। और नौकरी करनी थी तो उनके फरमान को मानना था। तो इस तरीके से हजारों, सॉरी लाखों, करीब 80-85 हजार सैनिक शहीद हुए थे भारत के तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में और उन शहीदों के याद में एक आप कह लें कि स्तंभ, एक जो है विजय द्वार का निर्माण कराया गया। और सही तो ये था कि महात्मा गांधी उस समय अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चला रहे थे और महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं, क्षमा चाहूंगा, असहयोग आंदोलन, 1920 में उनका असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी समय अंग्रेजों का उस समय वायसराय था जिसका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही उन
अज्ञात सैनिकों की याद में इस इंडिया गेट का निर्माण कार्य जो है दिल्ली में कराया जाता है, शुरू कराया जाता है। हालांकि उसको पूरा कराने का काम जो है किया था किसने, तो लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में ये बन करके पूरी तरीके से जो है तैयार हुआ था। महारानी विक्टोरिया के 30वें पुत्र जिनका नाम आर्क ड्यूक कनाड था, सॉरी तीसरे पुत्र तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, तीसरे पुत्र आर्क ड्यूक थे। क्या नाम था? आर्क ड्यूक कनाड। और उन्हीं के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। कब? तो आप कहेंगे कि 1921 में जो है किया गया था। और इसका शिलान्यास जो है आर्क ड्यूक कनाड ने किया और लॉर्ड इरविन ने फरवरी को, कब? 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया था। किसने? लॉर्ड इरविन ने। आज भी है इंडिया गेट, बताने की जरूरत नहीं। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में इंडिया गेट में अमर ज्योति जलाने की जो है प्रक्रिया शुरू हुई 1972 में, जब हम लोग 71 वाली लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटा दिए थे। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 50 वर्ष के बाद अब उस अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया था। और इस तरीके से इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति जो जलती थी उसको अंततो गत्वा 21 जनवरी 2022 को 50 वर्ष के बाद जो है बुझा दिया गया था। और ये है इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया अगर जो है पूछे तो ये कहां पर स्थित है? बंबई में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया बिल्कुल समुद्र तट के किनारे अरब सागर के जो है तट पर स्थित है। जब 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ, उनकी पत्नी और जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ तो उनके स्वागत द्वार के रूप में समुद्र के तट पर तब लकड़ी का एक विजय द्वार, प्रवेश द्वार, स्वागत द्वार बनाया गया। और आगे चल करके उसी उन्हीं के याद में इसको बिल्कुल अब लकड़ी के जगह जो है पत्थर का जो है बनाया गया और आज भी उसी जगह पर स्थित है जिसको प्रवेश, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 28 फरवरी 1948 को जो अंतिम ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी थी उसी गेटवे ऑफ इंडिया से होकर के ही प्रस्थान किया था। बहरहाल यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है वो दूसरा सही है। गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में स्थित है जबकि इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई जिनको भारत में अंतरिक्ष केंद्र का जनक कहा जाता है और विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहां पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहां पर? केरल में स्थित है। किस जगह? केरल तिरुवनंतपुरम में जो है स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीहरिकोटा जो कि पुलिकट झील में स्थित है, श्रीहरिकोटा जो कि एक टापू पर स्थित है जिसका कभी नाम जो है वेलिंगटन हुआ करता था लेकिन उसका बाद में जो है बाद नाम श्रीहरिकोटा किया गया और उसी पर श्री सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है स्थापित किया गया और आज भी उसी पर है। भारत में जितने भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं उसी स्थान से जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं। कहां से? पुलिकट में स्थित श्रीहरिकोटा से। और ये कहां पर है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत में अमूमन जितनी भी जो है मिसाइल टेस्टिंग होती है वो अब्दुल कलाम द्वीप जो है जो कि उड़ीसा में स्थित है वहां से, व्हीलर द्वीप से होती है, जबकि जितने उपग्रह जो है छोड़ दिए जाते हैं या जितने भी जो है भारत से स्पेस शटल भेजे जाते हैं सबके सब श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं। आगे नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स जो कि टीपू सुल्तान की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। किसकी? टीपू सुल्तान की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी ये। और ग्रीष्मकालीन राजधानी इनकी रही थी। इतना ही नहीं, नंदी हिल्स जिसके ऊपर जो है आज भी जो है
किला के जो है अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। नंदी हिल्स जो कि दूर से देखने पर जैसे ऐसे लगता है कि कोई सांड बैठा हुआ है, इसीलिए शायद उसका नाम जो है नंदी हिल्स जो है रखा गया था। नंदी हिल्स को एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का काम जो है गंग वंश के शासकों ने किया था। किस वंश के? गंग वंश के शासकों के द्वारा किया गया और उस पर शैव मंदिरों का निर्माण कराया गया, शायद इसलिए जो है उसको नंदी हिल्स नाम दिया गया। भारत में पहली बार जब सार्क सम्मेलन हुआ था 1986 में, तो उसी किसी नंदी हिल्स पर ही आयोजित किया गया था। अब तो खैर पर्यटन स्थल है, जहां से पेन्नार, पापाग्नी, पेन्नी जैसे कुल 5 नदियां जो है वहां से निकलती हैं। और ये किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे ये किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, ये स्थित है कर्नाटका में, बंगलुरु के पास। बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक में ही स्थित है हुबली, जो कि अब भारत का सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म यहीं पर स्थित है। कहां पर? हुबली में। हुगली नहीं, हुबली। कहां? कर्नाटका में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, जिसे कभी मद्रास के नाम से जाना जाता था। और मैसूर तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, ये भी ये कर्नाटका का ही हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है लाल किला, विज्ञान भवन, जंतर मंतर या संसद भवन। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी और जंतर मंतर, ये कहा जाता है कि यंत्र तंत्र का जो है ये बिगड़ा हुआ रूप जंतर मंतर है। और इसका निर्माण कार्य जो है कराया गया था किसके द्वारा? जी हाँ, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जो है कराया गया। किसके द्वारा? सवाई राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया, जयसिंह के द्वारा कराया गया था। और जो है सवाई राजा जयसिंह जो कि खगोल शास्त्र के बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, वो अलग बात थी कि मोहम्मद शाह रंगीला जैसे व्यक्ति के दरबार में इनको रहना पड़ा। तो इंसान को हालात ने न जाने क्या क्या करने के लिए विवश कर दिया। आपसे पूछे कि ये जंतर मंतर का निर्माण कार्य जो है किस मुगल बादशाह के शासन काल में हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला, वही रंगीला जो रोज ऑर्केस्ट्रा में ही व्यस्त रहता था। 1734 में इसका जो है निर्माण कार्य हुआ था। और समरकंद में स्थित वहां पर जो वेधशाला है, कहा जाता है कि बिल्कुल उसी का डिट्टो जो है प्रतिरूप इन्होंने खुद इसका डिजाइनिंग किया था और इन्होंने ही बनाया था, जहां पर इन्होंने सम्राट यंत्र की स्थापना की। यहीं पर इनके द्वारा जयप्रकाश यंत्र की स्थापना किया गया। यहीं पर इनके द्वारा राम यंत्र की स्थापना की गई, जिससे कि विभिन्न ग्रहों की खगोलीय स्थिति को जानने में मदद मिलती थी। तो दिल्ली में जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और हमारे पड़ोस में यहां पर बनारस में, इन 5 जगहों पर इन्होंने जंतर मंतर की स्थापना यानी वेधशालाओं की स्थापना की थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा दूसरा? अब तो खैर ये धरना प्रदर्शन स्थल बन करके रह गया है, लेकिन कभी इसका बड़ा ही जो है खगोलीय महत्व हुआ करता था। अगला प्रश्न, विद्यासागर सेतु कहां पर स्थित है? कटक में, रामेश्वरम में, कोलकाता में। विद्यासागर सेतु या विवेकानंद सेतु, विवेकानंद सेतु सेतु या रविंद्र सेतु, रविंद्र सेतु, ये सब के सब जो है कहां पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे कि कलकत्ता में स्थित है। कहां पर? कलकत्ता। और कलकत्ता किस नदी पर जो है स्थित है? तो आप कहेंगे कि हुगली नदी पर स्थित है। हुगली पर स्थित जो है हावड़ा ब्रिज, जो कि हावड़ा ब्रिज जिसका निर्माण कार्य जो है 1936 में जो है शुरू हुआ था और 1943 में मार्क्स आर्थर के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया था, और जो अंग्रेजों के समय में बनाया गया था हावड़ा ब्रिज, उसका नाम 1965 में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर उसका नामकरण कर दिया गया, रविंद्र सेतु।
दुनिया का इसलिए जो है आश्चर्यजनक वो सेतु है क्योंकि लगभग हुगली नदी की महाचौड़ाई करीब 2 किलोमीटर तक है और उतना बड़ा जो है ब्रिज सिर्फ जो है उसके दोनों किनारों पर। आप भी कभी जाकर के देखें तो अपने आप में ही वो आश्चर्य है। हमको भी देखने का मौका मिला एक बार, सिर्फ दोनों किनारों पर दोनों तरफ जो है उसमें पाया बनाया गया है यानी पिलर बने हैं, बाकी बीच में कोई सपोर्ट नहीं है और उसके बाद भी जो है वो पूरे दिन उस पर गजब का रस जो है रहता है। लेकिन आज भी रात को मध्य रात्रि को उसको रोक दिया जाता है, उस पर यातायात एक विडंबना के तहत कि ये जब टूटेगा तो मध्य रात्रि को ही 12 बजे कभी ना कभी ये मामला इसका बिगड़ेगा। उसी ब्रिज पर उसका भार उस पर जो है कम करने के लिए उसके अगल बगल दो और ब्रिज बनाए गए और एक का नाम दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर विद्यासागर और दूसरा जो है स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो है विवेकानंद सेतु। तो विद्यासागर सेतु, विवेकानंद सेतु, रविंद्र सेतु ये तीनों जो है अगल बगल ही जो है स्थित हैं और हुगली नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ, कोलकाता में स्थित है लेकिन अंग्रेजों के समय का बनवाया गया जो हावड़ा ब्रिज है वही रविंद्र सेतु है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? किसको कहा जाता है भाई? पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कोडाइकनाल को कहा जाता है। यह कहां पर है? कहां पर है? नैनी में ना, यह है तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियों में, पालनी जो पहाड़ियां हैं वहीं पर स्थित है ये, जिसे भारतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जो है जाना जाता है। दार्जिलिंग बताने की जो है जरूरत नहीं कि ये बंगाल का वह क्षेत्र है, बंगाल का वह क्षेत्र है जहां पर चाय होती है और सबसे पहले जीआई टैग भारत में दार्जिलिंग की चाय को ही प्राप्त हुआ था। आगे देहरादून उत्तराखंड में है, ऊटी भी तमिलनाडु में है और एक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इधर देखिए प्रश्न संख्या 8, वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन बहुत पूछता है, नाम वृंदावन है मैसूर में, कर्नाटका में स्थित है। ब्लैक पैगोडा, ये ब्लैक पकौड़ा यहां पर है, कहां पर? उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर। बीबी का मकबरा, औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी का मकबरा जो बनवाया गया उसका नाम बीबी का मकबरा दिया गया, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में कोयना नदी के तट पर स्थित है। जबकि आगे अब तो जो है बताने की जरूरत नहीं, चीनी केशव मंदिर ये जो है बंगलुरु में स्थित है। तो पहला का तीसरा तो ये दोनों तो नहीं होंगे, बी का पहला यानी ये तब सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर जो कि राजस्थान में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम अजय मेरू था। क्या नाम था? अजय मेरू। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा जो है इसका नाम बदला गया तो अजमेर किया गया। आज भी ख्वाजा की दरगाह वहीं पर स्थित है। अजमेर में कुवत उल इस्लाम, ये ही गलत है क्योंकि कुवत उल इस्लाम जो है, कुवत उल इस्लाम भारत में बनाई गई ये पहली मस्जिद थी, भारत में बनाई गई पहली मस्जिद थी। और ये कहाँ पर? तो मेहरगढ़ में स्थित थी, जिसका नाम बदल करके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी के द्वारा मेहरौली कर दिया गया और आज भी दिल्ली में स्थित है, जिसको मैंने बताया कि ये भारत भूमि पर बनाई गई पहली मस्जिद थी, जिसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू कराया गया था। और किसके आदेश पर? तो बाबा बख्तियार खान काकी के आदेश पर, जिनके नाम पर आज भी दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। जौनपुर में अटाला मस्जिद, बताने की जरूरत नहीं, सरकी वंश के राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। अटाला देवी मंदिर को तोड़ करके और उस स्थान पर अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया। जो लोग आप लोगों में से जौनपुर के होंगे जाहिर सी बात है वाकिफ होंगे इस वाकयात से। मालवा
मालवा का जहाज महल दरअसल ये दो जिलों में है, इसको पूछा भी था एमपी शायद पटवारी वाले पेपर में। एक कपूर झील है वहीं पर, कौन सी झील है, कपूर झील, और दूसरी कौन सी झील है, मंजू झील है। और इन्हीं मंजू कपूर यानी इन दो झीलों के बीच जो है ये महल स्थित है, और बिल्कुल ऐसा बनाया गया है जैसा पानी के ऊपर नाव जो है, पानी का जहाज जो है तैरता दिखता है, इसीलिए दूर से दिखने पर वो जहाज जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम जो है जहाज महल है। इसका निर्माण कार्य मालवा का सुल्तान जिसका नाम था गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था, और जहाज महल उन दिनों जो है एक हरम हुआ करता था। हरम समझते हैं ना, जहां हरामी टाइप के जो है लोग जो है रहा करते थे, वही हरम था। उस हरम में ऐसी महिलाएं जो है रखी जाती थी जिनका इस्तेमाल जो है सुल्तान या सुल्तान के परिवार के लोगों के द्वारा जो है सिर्फ जो है अपने आमोद प्रमोद के लिए, या कह लो कि अपने मनोरंजन के लिए, या कह लो कि जो है उनको सेक्स वर्कर के रूप में जो है वहां रखा जाता था। तो ये जहाज महल वही था जिसको कि उस समय के लैंग्वेज में हरम कहा जाता था। गुलबर्गा का जामा मस्जिद बताने की जरूरत नहीं, कर्नाटका में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसका दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा उत्तर सही होगा। भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद, किस राज्य में स्थित है? आदिल यूसुफ शाह का वही आदिल यूसुफ शाह जिसको पराजित करके पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया था, इसी आदिल यूसुफ शाह का जो मकबरा है जिसका निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था। कब निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया होगा? 1626 में, और 1656 में बन करके तैयार हो गया। और इस गोल गुंबद का जो वास्तुकार था उसका नाम था मिर्जा याकूत। आज भी स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, बताने की जरूरत नहीं। अंग्रेजों के समय में इसका नाम जो है विस्परिंग गैलरी रखा गया, वो इसलिए कि गोल गुंबद आपको भी देखने का मौका मिले तो जो है जाकर के देख सकते हैं। उसके एक सिरे पर खड़ा होकर के जो है धीरे धीरे भी बोलने पर उसके ठीक विपरीत दूसरे सिरे पर कोई व्यक्ति अगर दीवार से कान लगाए तो जो है उसको क्लियर कट सुन सकता है बिल्कुल, इसीलिए उसको अंग्रेजों के समय में विस्परिंग बिल्डिंग का नाम जो है दिया गया था। लेकिन हकीकत में आदिल यूसुफ शाह का वो जो है क्या है, मकबरा है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला प्रश्न को देखिए, अच्छे से देखिए और बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल, महारानी विक्टोरिया जो कि 1837 से लेकर के और 1901 तक ये ब्रिटेन की महारानी रही थी। महारानी विक्टोरिया अगर भारत की बात किया जाए तो इन्हीं के टाइम पीरियड में भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, और जब 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया और ब्रिटेन का क्राउन यानी कह लो ब्रिटिश सम्राट का शासन स्थापित किया गया, तो ये उस समय वहां की साम्राज्ञी थी। और इस तरीके से ये 1858 से लेकर के 1901 तक ये भारत की भी जो है साम्राज्ञी रही थी। ये पहली ऐसी महिला थी, या कह लें कि पहली ऐसी जो है ब्रिटेन की शासिका थी जब उस समय का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको अब भारत रत्न कहा जाता है, उन दिनों उसको कैसरे हिंद कहा जाता था, इन्हें विक्टोरिया को ही देने का डिसीजन लिया गया था। कब? जब पहला दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तब। पहला दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के द्वारा आयोजित कराया गया, लेकिन उन दिनों प्लेग अपने चरमोत्कर्ष पे था तो ये चुड़ैल भारत नहीं आई थी।
ये अपने जीवन काल में भारत कभी नहीं आई, वो अलग बात थी कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कैसर हिंद सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। 1901 में जब गुजर गई तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करता था और उन्हीं के याद में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कलकत्ता में विक्टोरिया महल का निर्माण कराया गया और इस तरीके से आज भी विक्टोरिया महल अब तो भारत सरकार की संपत्ति है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी देखने के जाएं तो बीचों बीच उसके जो है बगीचे के बीचों बीच स्थित है और आज भी महारानी विक्टोरिया के वहाँ पर आदमकद की प्रतिमा जो है लगाई गई है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। निर्माण कार्य 1901 में जो है शुरू हुआ था और 1901 से लेकर के जो है ये जो है 21-22 तक जो है चलता रहा था, लेकिन प्रश्नानुसार पहला विकल्प जो है सही है। आगे देख लीजिए, हौज खास किसने बनवाया था? हौज खास किसके द्वारा बनवाया गया था? हौज खास को बस यूं जान लीजिए कि पानी की झील थी, एक पानी की झील या पानी का जो है तालाब, और इसका निर्माण कार्य अरावली की पहाड़ियों पर कराया गया था। आज दिल्ली में जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो गए होंगे, जो लोग दिल्ली देखे होंगे तो मेहरौली वाली बेल्ट में जाएंगे तो जो है थोड़ा बहुत जहां तहां दिखता भी है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर ही स्थित है। अरावली पहाड़ियों का विस्तार जो दिल्ली में था उसे रायसीना कहा जाता था। जब हिंदुस्तान में कभी तुर्कों का शासन हुआ, अलाउद्दीन खिलजी कभी भारत का सुल्तान हुआ करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली में ही सीरी में बनाया था। सीरी का किला उसी के द्वारा बनवाया गया था, वरना उससे पहले जितने भी सुल्तान थे सब के सब जो है पिथौरागढ़ के किला में रहा करते थे, जिस पिथौरागढ़ का निर्माण कार्य कभी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कराया गया था और वही पिथौरागढ़ को जो है उसी जगह पर तोड़ करके और बाद के दिनों में दिल्ली का लाल किला का निर्माण कराया गया। आज भी उस स्थान पर है, बताने की जरूरत नहीं, जहां प्रधानमंत्री जी प्रतिवर्ष 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन बताते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री हैं, बस उसका इस्तेमाल इतना ही हो रहा है अभी। और जो सीरी महल बनवाया गया था किसके द्वारा? इसी के द्वारा। सीरी का किला बनाया गया था या सीरी महल बनाया गया था, उसी महल में जल की सप्लाई देने के लिए जो है हौज खास दिल्ली में बनवाया गया, आज भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊंचाई पर जो है हौज खास जो है बनवाया गया था, नीचे जो है सीरी का महल था। ऊंचाई पर इसको इसलिए रखा गया था ताकि पानी आराम से जितने हाइट पर होगा उतने ही अधिक वेग से पानी पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसमें बाद में कुछ जो है उसमें पुनरुद्धार भी जो है कराया गया, उसमें जो टूट फूट थी उसको सही कराया गया। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, आगरा शहर में स्थित है। और बताने की जरूरत नहीं कि वर्ष 1971 में गुजरात की लड़ाई को जो है जीत लेने के बाद अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण कराया गया था और वहीं पर बुलंद दरवाजा का भी निर्माण कराया गया। कुछ इतिहासकारों की जो है माना जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे जिनका नाम था ख्वाजा शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती वहीं पर रहा करते थे। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में कहा जाता है कि अकबर महोदय हमेशा जाया करते थे। अकबर महोदय उस समय बादशाह अकबर की एक समस्या थी और सैकड़ों पत्नियां थी इनकी, उसके बावजूद भी ये पुत्रहीन थे, संतानहीन थे और उसी संतानहीनता का दंश था जिसके वजह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी ये जाते थे। लेकिन राणा प्रताप के साथ जब उनका जो है अदावत शुरू हुआ तो वो क्षेत्र उनके लिए असुरक्षित हो गया, इसलिए अब उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और यहां जाने लगे।
उन दिनों या इन दिनों भी बहुत से लोगों का आज भी मानना है कि ऐसी समस्याओं का जो है निदान बाबाओं के पास होता है, और हैं भी कुछ तो बाबा जो है, खैर इसी डिपार्टमेंट से पीएचडी किए हुए बैठे हैं सब। शेख सलीम चिश्ती का ही जो है आशीर्वाद इनको मिला, तो उन्हीं के खानकाह में, उन्हीं के आश्रम में अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर का जन्म हुआ, और उन्हीं के नाम पर जहांगीर ने उनका नाम, किसका, जहांगीर का नाम सलीम रखा था, जिसे शेखू बाबा कहता था। और उन्हीं बाबा से ये इतना प्रभावित हो गए कि आगरा से महज 36 किलोमीटर की दूरी पर कोई नदी वहां नहीं थी, क्योंकि जितने भी पहले किले बनाए जाते थे नदियों के किनारे बनाए जाते थे, राजधानियां नदियों के किनारे होती थी ताकि पानी की सप्लाई वहीं से जो है पूरा किया जाता था। उसके बावजूद भी इन्होंने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाई, पंचमहल, जोधाबाई महल, तानसेन महल, इनके जो दरबारी थे, नवरत्न थे, उन सबके लिए जो है वहां पर राजमहल का उन्होंने निर्माण कराया। और बहुत लंबे समय तक इनकी राजधानी नहीं रह पाई, लेकिन फतेहपुर सीकरी आज भी आगरा में उत्तर प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जिसको जगह दी गई थी। ये रही थी फतेहपुर सीकरी की कहानी। इधर यह हवा महल है, अभी रह गया जयपुर में स्थित हवा महल। जयपुर को पहले आमेर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आमेर के नाम से जाना जाता था। यहीं का राजा था जिसका नाम था बिहारी मल या भारमल, कछवाहा राजा था, और यह पहला ऐसा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया, और अकबर ने इनको अपनी बेटी से शादी करने के लिए विवश कर दिया। इसी आमेर की राजकुमारी भारमल की बेटी थी जिनका नाम हीर कुंवर था, जिनको युद्ध में जीता गया था, इसलिए अकबर जोधा कहता था, और अकबर की बुआ जो थी उनको जो है हरखा कहती थी, मरियन उजमानी का कहा दुनिया जहान। इसी जयपुर में, इसी जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा गया। जब ब्रिटेन के सम्राट राजकुमार का भारत में आगमन हुआ था तो पूरे शहर को पिंक कलर से इसलिए सजाया गया था कि उस बैला को पिंक कलर बहुत पसंद था, थोड़ा वो दूसरा टाइप का आदमी था, और हाँ पिंक वाला था, तो इसीलिए जयपुर शहर को जो है पिंक कलर से जो है रंगा गया, गुलाबी रंग से गुलाबी सिटी कही जाती है। और जयपुर में ही, जयपुर में ही वर्ष 1799 में एक महल का निर्माण कराया जाता है महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि 5 जो है इसमें तह थे, इसलिए कहा जाता है कि इसको पंचमहल भी बोला गया, पंचमहल बोला गया। हालांकि जैसे जैसे ये ऊपर की ओर गया इसकी जो है चौड़ाई कम होती गई, दूर से देखने पर ये मुकुट जैसा जो है दिखता है। करीब 950 उसमें खिड़कियां लगी हैं पूरे महल में, और उसके पीछे बस उद्देश्य ये था कि राजस्थान की गर्मी से निजात पाने के लिए आज की तरह जो है उन दिनों तब कूलर एसी सब अभी देसी था, और इसीलिए ऐसा उसमें 950 खिड़कियां बनाई गई ताकि उससे हवा जो है गर्मियों के दिनों में अंदर तक जो है प्रवेश कर सके। और दूसरी चीज जो कि उन दिनों पर्दा प्रथा अपने जो है सबाब पर हुआ करता था, इसलिए घर में रहने वाली महिलाएं घर से बिना बाहर निकले भी जो कुछ भी राजप्रसाद में चल रहा था उसका नजारा वहां से देख सकती थी, इसलिए हवा महल का निर्माण कराया गया था, आज भी है। किसने कराया था? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा जो है कराया गया। कभी कभी पूछता है हवा महल की जो है लाल चंद, कौन? लाल चंद नामक जो है व्यक्ति ने इसकी डिजाइनिंग की थी, राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण कार्य इन्होंने कराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, शांति निकेतन। शांति निकेतन बताने की जरूरत नहीं, इसको कुछ समय पहले अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है जगह दे दी गई, तो इसका जो है फिर से प्रभाव बढ़ा है। शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित होने वाला भारत का किस नंबर का यह स्थल है, आप कमेंट करके बताना।
वैसे शांति निकेतन की स्थापना सबसे पहले 1863 ईस्वी में किया था किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर। अब आप कहेंगे कि ये कौन थे, तो देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। कभी मैं पढ़ाऊंगा या पढ़ाया तो बताया था कि ब्रह्म समाज के ये फाउंडर मेंबर में से रहे थे, वही ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो राजा राम मोहन राय के समय में द्वारिका नाथ टैगोर थे, द्वारका नाथ टैगोर, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, और उसके बाद ये हुए थे ब्रह्म समाज से संबंधित। बाद में इन्होंने बैराग भी प्राप्त कर लिया, और बैराग किया था उसी दरमियान 1863 में इन्होंने शहर से बाहर जमीन लेकर के और एक आश्रम बनाया था ताकि शांतिपूर्वक वहां रहा जा सके। 1901 में यहां पर शांति निकेतन की स्थापना कर दी किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसको आगे चलकर के 1920 में महात्मा गांधी के जो है आंदोलन के दौरान विश्व भारती विद्यालय के रूप में जो है जाना गया। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलिफेंटा की गुफाएं इसको जो है अग्रहरी गुफाएं कहा गया, या इसका एक और नाम है वो कौन सा? तो इसे घरपुर की गुफाएं कहा गया। पुर्तगालियों के द्वारा ही इसका नाम जो है एलिफेंटा दिया गया, और उसमें इसलिए कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है ये मंदिर, ये गुफाएं एलिफेंटा की गुफाएं भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, या कह लो कि मुंबई जो हार्बर है, पत्तन है, बिल्कुल उसी के करीब में जो स्थित है ये एलिफेंटा की गुफाएं, भगवान शिव को समर्पित हैं। किसको? भगवान शिव को समर्पित हैं, और भगवान शिव में भी जो है यहाँ पर अर्धनारीश्वर शिव जो है यानी आधा स्वरूप जो है माँ पार्वती का और आधा इनका है। अब पुर्तगालियों ने देखा तो उनको समझे नहीं आया वो मामला, भगवान भोलेनाथ को समर्पित यहां पर करीब जो है 7 गुफाएं बनाई गई हैं जहां पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सुपुत्र कार्तिकेय और गणेश जी, और कुछ उन सबों को नहीं समझ में आया, पुर्तगालियों को जो है गणेश जी ज्यादा समझ में आए, इसीलिए उनको लगा कि ये एलिफेंट का बच्चा है, तो मामला और था। पुर्तगालियों ने ही जो है इसका नाम एलिफेंटा दिया था, वरना इसे पहले अग्रहरी के नाम से जाना जाता था। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में मुंबई के समीप स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले आपको मैं बार बार बताता हूं कि इसका क्या मतलब है, इसलिए आज नहीं बताऊंगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? जी हाँ, भारत का स्विट्जरलैंड उसको कहते हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कौसानी किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी के तट पर स्थित है, वही कोसी जिसको कि बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड से निकलते हुए इस नदी के तट पर कौसानी शहर है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। कौन से हिमालय के अंतर्गत? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ये शहर है, और इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऊटी को दक्षिण भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। कृष्णराज सागर कहां पर स्थित है? कृष्णराज सागर बांध कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? तो आप कहेंगे कावेरी जिसको कि दक्षिण की गंगा कहा जाता है, हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ। कौन सा? लक्ष्मण तीर्थ हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ नामक इन नदियों के संगम पर स्थित है कृष्ण
राजसागर बाग जिसका निर्माण कार्य किसने कराया था, विश्व सरैया के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा? विश्व सरैया के द्वारा जो है कराया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है। इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है, अगर आप बता सकें तो अति उत्तम, न बता सकें तो और अच्छी बात। भारत में प्राचीनतम तारामंडल, तारामंडल समझते हैं ना, अभी करंट अफेयर में आप लोगों ने पढ़ा कि भारत का पहला 3D तारामंडल, कोई बता सके तो अच्छी बात है। भारत का पहला जो है 3D तारामंडल कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके आप लोग बताना। वैसे भारत का सबसे प्राचीनतम और भारत का सबसे बड़ा तारामंडल, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, बिरला तारामंडल के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता में, चेन्नई में, हैदराबाद में बिरला ग्रुप के द्वारा जो है इसको बनवाया गया अलग अलग जगहों पर, और उसे बिरला तारामंडल के नाम से ही जो है, तारामंडल के नाम से ही जाना गया। अब तो ऑलमोस्ट भारत के लगभग हर शहर में जो है ये दिख रहा है। नक्षत्र सभा का आयोजन अभी हाल ही में, नक्षत्र मंडल का आयोजन जो है उत्तराखंड की सरकार ने किया है, और आप अपने आप में जो है वो एक स्पेस टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है उसको। लेकिन भारत में पहला 3D तारामंडल कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट करके मुझको अवश्य बताना। इधर चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ, चित्तौड़ जो कि सिसोदिया शासकों की जो है राजधानी रही थी, चित्तौड़ बताने की जरूरत नहीं, राणा हमीर देव के द्वारा जो है सिसोदिया वंश की स्थापना 1336 में किया गया था। कब किया गया था? 1326 में किया गया था। इसी वंश के जो है शासक थे जिनका नाम था राणा सांगा, जिन्होंने बाबर के साथ जो है खानवा की लड़ाई लड़ी थी। राणा सांगा के ही पुत्र थे उदयराज, और उदयराज के पुत्र थे जिनका नाम था राणा प्रताप। राणा प्रताप जो कि अकबर के साथ जो है दो दो हाथ किए। विजय स्तंभ को यह ध्यान रखना, भारत के देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। भारत के देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। या नहीं, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। यानी भारत में जो 33 कोटि के देवता हैं सबका उसमें जो है स्थान है। और हालांकि है तो एक बिल्कुल पिलर की तरह जो है वो, जब राणा जिनका नाम जो है कुंभा, राणा कुंभा ने लड़ाई लड़ी थी 1437 वाली, राणा कुंभा ने जो है युद्ध किया था किसके साथ, महमूद खिलजी के साथ किया था। महमूद खिलजी के साथ इन्होंने युद्ध किया, महमूद खिलजी को जो है इन्होंने पराजित कर दिया। और महमूद खिलजी को पराजित किया जिस युद्ध में, उस युद्ध को सारंगपुर युद्ध के नाम से जाना गया। किस युद्ध के नाम से जाना गया? सारंगपुर युद्ध के नाम से जाना गया। इसी सारंगपुर युद्ध में किसने, जी हाँ, राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करके और उसे विजय के याद में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जिसमें सभी देवताओं, देवी देवताओं को स्थान दिया। इसीलिए उसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा गया, या भारतीय देवी देवताओं का अजायब घर कहा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, वीरभूमि किससे संबंधित है, वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि हमारे देश में जितने जो है बड़े लोग कह सकते हैं नेता, उनके गुजर जाने के बाद जो उनकी समाधि स्थल बनाई जाती है उसका एक विशेष नाम दिया जाता है। जैसे अटल जी के समाधि स्थल का नाम जो है अटल स्थल है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जानते हैं, शांतिवन कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को,
संजय गांधी का समाधि स्थल भी शांतिवन है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है, राजेंद्र प्रसाद का सदाकत आश्रम पटना में स्थित है, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है वहां पर गुजरात में। तो मेरा जो व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल है जीएस गुरु जेपी सर, उस पर भी मैंने शॉर्ट वीडियो के रूप में ऐसे सभी स्थलों को जो है, सभी समाधि स्थलों को प्रस्तुत किया है। किस नाम से? जीएस गुरु जेपी सर, वहां पर भी आप देख सकते हैं, आज ही मैंने अपलोड किया था। या जो है बीरभूमि, यहाँ चूंकि जो है पूछ रहा है कि बीरभूमि किसका था, विजय घाट तो इनका है, किनका? लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट है। राजीव गांधी का जो है बीरभूमि है, बीरभूमि। जगजीवन राम का समता स्थल है, समता स्थल। भगत सिंह का गुजरावाला है, जवाहरलाल नेहरू जी का उसका नाम है विजय घाट ना, शांतिवन अभी तो बताया था, शांतिवन। इंदिरा गांधी जो पूछा जाता है बता देता हूं, इनका जो है शक्ति स्थल है। कौन सा? शक्ति स्थल। और कोई आपसे जो है पूछे जाते हैं, गांधी जी, और गांधी जी का जो है समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, राजघाट कहते हैं। मेरा, मैंने बताया ना जो मेरा व्यक्तिगत चैनल है जीएस गुरु जेपी सर यूट्यूब पर, उस पर मैंने जो है ऐसे सभी समाधि स्थल को मैंने अपलोड किया है आज, वहां से भी जाकर के आप देख सकते हैं। किसान घाट किसका है, अभय घाट किसका है, या फिर जो है आपसे पूछा जाता है अंबेडकर जी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है, सब मैंने जो है वहाँ वीडियो एक अपलोड किया है। मुगल गार्डन ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि मुगल गार्डन का नाम बदल करके अब जो है अमृत उद्यान कर दिया गया। क्या? अमृत उद्यान किया गया है। और ये कहां पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन में स्थित है। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में स्थित है, यानी दिल्ली में स्थित है। और ये फरवरी मार्च के महीने में आम पब्लिक के लिए भी जो है खोल दिया जाता है, एक महीने के लिए, जिसमें गुलाब के विभिन्न प्रजातियों को जो है लगाया गया है। और बताने की जरूरत नहीं कि हम लोगों के देश नहीं, पूरी दुनिया में गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और फरवरी के महीने में तो क्या गजब उसका डिमांड हो जाता है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। नवनालंदा महाविहार कहां पर स्थित है? नालंदा आप सबको पता है, कुमार गुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उन्हीं के शासनकाल में 450 से लेकर के 470 ईस्वी के बीच जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था बिहार में। लेकिन वर्ष 1201 ईस्वी में इस को जला दिया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। वहां पर नव नालंदा बिहार की स्थापना जो की गई है, वो पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में किया गया है। किस रूप में? पाली अनुसंधान संस्थान। जैसा कि जानते हैं बौद्ध धर्म और पाली भाषा का बिल्कुल जो है वैसे रिश्ता है जैसे मैं क्या ही बताऊं। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहां पर है? विश्व शांति स्तूप रत्नागिरी पहाड़ी पर है। कौन सी? रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है। रत्नागिरी पहाड़ी पर विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, जहां जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल जो है किया जाता है। और ये राजगीर में स्थित है, बिहार में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल कौशाम्बी है, क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म के छठे जो गुरु थे, जैन धर्म के छठे गुरु जिनका नाम था पद्म, क्या नाम था? पद्म प्रभु। और यहीं पर इन्होंने प्रभास पर्वत पर इन्होंने तपस्या किया था, इसलिए जैन धर्म के लोगों के लिए भी जो है ये तीर्थ स्थल है। और बौद्ध धर्म को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों में से कोई कमेंट करके बताए तो बता सकता है। बौद्ध धर्म को पढ़ाया तो मैंने बताया भी था, कौशाम्बी में
कौन सा बौद्ध विहार स्थित है आप कमेंट करके बताना। बहरहाल ये उत्तर प्रदेश में यहीं हमारे बगल में प्रयागराज के बगल में स्थित है। बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग और आज का सेशन के समापन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अरबिंदो आश्रम जिसकी स्थापना वर्ष 1928 में जो है की गई थी, किसके द्वारा? महर्षि अरबिंद के द्वारा जो है किया गया था। और अरबिंद, महर्षि अरबिंद जिनका जन्म जो है 15 अगस्त को होता है, हालांकि वो अलग बात थे कि उनके जीवन काल में देश आजाद नहीं हो पाया स्थिति में, लेकिन उनको भी नहीं पता था कि हमारे जन्मदिन पर ही आगे चल करके देश आजाद होगा। मैं पढ़ाया तो आप लोगों को बताया था कि अलीपुर जो कांड हुआ था वर्ष 1908 में, वो अरबिंद, महर्षि अरबिंद से ही जो है संबंधित था। और अरबिंदो आश्रम की स्थापना आगे चलकर के पांडिचेरी में इन्हीं के द्वारा जो है किया गया, जो आज भी स्थित है। कहाँ तक किया गया? पांडिचेरी में किया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पांडिचेरी वैसे बताने की जरूरत नहीं कि इसका एक हिस्सा कितनी बार जो है आपको मैं पढ़ाया तो बताया कि पांडिचेरी और कराईकल ये दोनों यहाँ पर पड़ जाते हैं तमिलनाडु में। इसी का एक हिस्सा जो है जिसका नाम है माहे, माहे जिला किसका है? पांडिचेरी का। लेकिन ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये केरल में पड़ जाता है। और इसी का एक हिस्सा इधर पड़ता है जिसका नाम यनम है। तो पांडिचेरी के चार जिले हैं और चारों के चारों जो है तीन स्टेट में बिखरे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, बताने की जरूरत ही नहीं। ईडन गार्डन ना, ये क्रिकेट स्टेडियम है। वृंदावन गार्डन मैसूर में, खुसरो गार्डन लखनऊ में। तो दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम, ईडन गार्डन जो है क्रिकेट स्टेडियम है और कलकत्ता में स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई जिनके बारे में लिखा गया, बुंदेली हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। युद्ध करते हुए ही 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हुई थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई। 18 जून 1858 तब जो है उनकी अवस्था 30 वर्ष की थी। और अब ये जगह जो है कहाँ पड़ती है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल होता है? किसका होता है? दार्जिलिंग का होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा? और ये दार्जिलिंग है कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये रहा था आज का सेशन। अगर जो है इससे संबंधित पीडीएफ अगर जो है आपको प्राप्त करनी है तो आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस गुरु जेपी सर, वहां पर जो है आपको मिल जाएगा। और उससे पहले अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है इन पुस्तकों का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका विगत परीक्षाओं में बड़ा ही शानदार जो है प्रदर्शन रहा था, आगे भी रहेगा, इनको प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चल रहे हैं इसलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले दिन।